तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल धमाल अंकित में। आज हम आपको बताने वाले हैं जो साइकिल की कटोरी होती है वो कट जाती है तो उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो साइकिल का जो एक्सिल होता है उस पर जो कोन लगा होता है उसे आपको उतार लेना होगा हाथों की सहायता से। यदि हाथों की सहायता से आपका कोन नहीं उतर रहा तो आप 14-15 की चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साइड में 14-15 की चाबी लगा सकते हैं और दूसरी साइड में एक पाना का प्रयोग कर सकते हैं, 10-11 का पाना लगा के, और उसे स्पोक को द्वारा पकड़ सकते हैं और उससे आपका इजी खुल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा तो हाथों की सहायता से ही खुल चुका है। आप देख सकते हैं हमारा जो कौन है ये उतर चुका है, एक्सिल हमारा बाहर आ चुका है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हम एक्सिल रख देते हैं और अब निकालते हैं इसकी गोली। तो दोस्तों इसकी गोली भी हमारी ख़राब हो चुकी है, ये हमने गोली निकाल दी है। तो दोस्तों एक साइड में कॉलर नहीं है, एक साइड में कॉलर है, तो हमें तो जो कॉलर निकालना है इसका, तो हमें तो इसकी कटोरी बदलनी होगी। तो हम इसका कॉलर सुम्बी की सहायता से उतार लेते हैं। यदि आपको गोली गोली बदलनी है तो आप स्पोक की सहायता से इसकी जो गोली है वे निकाल सकते हैं। आपको कॉलर उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कटोरी चेंज करनी है, आपकी कटोरी में दिक्कत हो चुकी है, तो आप कॉलर उतार सकते हैं। तो दोस्तों हमारी तो कटोरी ही ख़राब है, तो हमने इस वजह से इसका कॉलर उतार लिया है। एक साइड में कॉलर था, एक साइड में नहीं था। तो आप देख सकते हैं हमारी कटोरी ख़राब है लगभग। हम इसे निकालने के बाद साफ़ करके भी आपको दिखाएंगे हमारी कटोरी कितनी कटी हुई है। तो दोस्तों कटोरी कैसे निकालनी है आपको, आपको एक हथौड़ी की सहायता लेनी है और हथौड़ा जो है पहिया रख देना है और ऊपर से चोट मार देनी है सुम्बी की, इस तरीके से जिस तरीके से मार रही है। हथौड़ा थोड़ा सा आपको आउट रखना है, बीचों बीच नहीं रखना आपसे, अन्य आपकी कटोरी नहीं निकल पाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी कटोरी दोनों ईजी निकल चुकी है, हल्की सी चोट मारनी पड़ती है और कटोरी आपकी बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी कटोरी आ चुकी है और इसे हम कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इस पर मिट्टी बहुत लगी हुई है। तो हम मिट्टी को साफ़ कर लेते हैं कपड़े की सहायता से, क्योंकि मिट्टी धूल मिट्टी साफ़ करना ज़रूरी है। यदि आप धूल मिट्टी अच्छी तरीके से साफ़ नहीं कर पाएंगे तो यदि आप इसमें जब ग्रीस करेंगे तो वे दिक्कत करेगी आपके पहिया बनने के बाद, आवाज़ आएगी, तो आवाज़ बहुत ख़राब होती है, अच्छी नहीं होती। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, साफ़ करने के बाद ही आप इसमें कटोरी लगाए, और कटोरी लगाने के बाद भी आप साफ़ करें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारी भी पुरानी कटोरी जो लगभग कट चुकी है। ये दोनों कटोरी हम साफ़ करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों जब कटोरी कट जाती है तो क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों जब कटोरी कट जाती है तो यदि हमारे पहिए में चिक आ गई है और हम चिक निकालने की कोशिश करते हैं तो एक जैसे चिक निकल जाती है तो पहिया जाम हो जाता है, और घुमाते हैं पहिया तो चिक आ जाती है, फिर घुमाते हैं तो जाम हो जाता है। यदि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हम पहिया घुमाते हैं और एक थोड़ा सा घुमाते हैं तो चिक आती है, थोड़ा नहीं घुमाते तो जाम हो जाता है, तो आपकी कटोरी कट चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कटोरी एक साइड से कट रही है, एक साइड से सही है। तो ये हमारी आधी कटोरी कट रही है, आधी सही है, तो इस वजह से हमारी जो दिक्कत कर रही थी तो हमने ही निकाल दी। दोस्तों इसमें हम अब नई कटोरी डालने वाले हैं, यह आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी कटोरी कितनी कट रही है, तो इसमें निशान पड़ रहा है कटोरी में, तो इस वजह से हमें कटोरी निकालनी पड़ी, ये निशान है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने आपको दिखा दी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कटोरी है ये बगैर कॉलर की कटोरी है, इसमें कॉलर नहीं है। कॉलर की भी कटोरी आती है, वे भी हम आपको दिखाएंगे कॉलर की कटोरी कैसी होती है। ये हमारी जो कटोरी इसमें निकली है बगैर कॉलर की कटोरी निकली है, तो आपको इसमें बगैर कॉलर की ही कटोरी लगानी होगी। दो कॉलर वाली कटोरी इसमें नहीं आएगी, तो आपको बगैर कॉलर की कटोरी लगानी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी बगैर कॉलर की कटोरी है, इसे ही आपको लगानी होगी, और इसका साइज जो है छोटा बड़ा आ जाता है। यदि आप घर पर साइकिल रिपेयर कर रहे हैं तो कटोरी आप निकाल के
मार्केट ले जाए और उसके साइज की ही कटोरी साइकिल शॉप पे से लें, वह आसानी से मिल जाएगी और इजी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये कलर की कटोरी है, इसमें कलर है साइड में आप देख सकते हैं। और बहुत तरह की कटोरी आती है, A1 साइकिल की अलग आती है, हीरो की अलग आती है, हरकुलिस की अलग आती है, अलग अलग साइकिलों की अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कटोरी आती है। तो इनके साइज़ सबके सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। तो यदि आप कटोरी घर पर चेंज कर रहे हैं अपनी साइकिल की, तो आपको करना क्या होगा, आपको कटोरी ले जानी होगी, क्योंकि यदि आप नई लिया या तो साइकिल का आपको नाम मालूम हो कौन सी साइकिल है आपके पास और उसमें हब कौन सा लगा हुआ है, A1 का है, हरकुलिस का है, तो आप हब के नाम से भी ला सकते हैं कटोरी। अन्य अच्छा तो यही होगा आप कटोरी निकाल लें और उसके बाद लाएं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कोन है ये भी कटा हुआ है, आप देख सकते हैं लगभग ये भी अड्डा कटा हुआ है, आधा सही है आधा कटा हुआ है, तो इस वजह से भी हमारा पहिया दिक्कत कर रहा था, कट कट की आवाज़ आ रही थी दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस गोली है जो इसमें से निकाली है हमने, चलिए गोली भी साफ करके देख लेते हैं गोली हमारी कैसी है, अच्छी है या ख़राब है, ये भी हम देख लेते हैं, सारी गोली हम चुग लेते हैं। तो दोस्तों गोली आपको अच्छी तरीके से साफ़ करनी होगी, क्योंकि अगर गोली में धूल मिट्टी आ जाती है तो वो बाद में दिक्कत करेगी, परेशानी होगी, उससे आपका जो पहिया होगा वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो आप कपड़े से अच्छी तरीके से गोली साफ़ कर लीजिए। तो दोस्तों ये हमारी गोली है जो हम अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं, आप हथेली की सहायता से भी साफ़ कर सकते हैं, जो कचरा है उसे आप निकाल लीजिए। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसकी गोली है पहिए की जो हमने निकाली है, और इसे और अच्छी तरीके से हम साफ़ कर लेते हैं कपड़े की सहायता से, कपड़े से ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि ये देख सकते हैं आप हमारी जो गोली है ये सही है, जैसे कि देख सकते हैं एक आधी गोली हमारी ख़राब है तो हम बदल देंगे, ये आप देख सकते हैं ये गोली हमारी कटी भी हुई है, इसमें गड्ढा हुआ है तो ये गोली हमारी ख़राब है, तो जो ख़राब ख़राब जिनमें गड्ढे हुए हैं उन गोलियों को हम नवी गेर देंगे और जो सही है उन्हें हम लगा देंगे। तो दोस्तों चलिए अब देख से बताते हैं आपको आप कटोरी कैसे लगाएंगे आप में। तो जो हमारी कटोरी है वो कुछ ढीली है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कपड़े का इस्तेमाल करना होगा। यदि आपकी किसी मिजान से कटोरी हल्की सी ढीली आ जाती है तो आप सूती कपड़ा ले सकते हैं, टेरिकॉट का ले सकते हैं या सूती ले सकते हैं, उससे आप कटोरी इजी ठोक सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हथौड़ी की सहायता से। और एक आप इस तरीके का ये ले लीजिए, जैसे कि हम आप देख सकते हैं हमारे पास ये ठोकने का है कटोरी, ये आप ले सकते हैं, आपको कबाड़ी पे मिल जाएगा या साइकिल वाले से आप ला सकते हैं, आपको 50-60 रुपए का आपको मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता। यदि आप इस तरीके का आपके पास कोई पड़ा हो तो आप उससे भी ठोक सकते हैं। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से कटोरी लगा लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको डबल तय करनी होगी कपड़े की, यदि आपकी कटोरी ढीली है तो, यदि आपकी कटोरी सही आ रही है तो आपको कपड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। कपड़ा आपको जब भी लगाना है यदि आपकी कटोरी ढीली आ रही है, यदि आपकी कटोरी ढीली नहीं आ रही तो आप कपड़ा की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारी कटोरी ढीली आ रही थी तो इस वजह से हमें कपड़ा लगाना पड़ा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों कटोरी इजी ठोक ली है। तो दोस्तों जो कपड़ा है उसे आपको फाड़ लेना है, फाड़ना कैसे, या तो आप इसमें सुंबी लगा लीजिए, सुंबी से भी ये आसानी से फट जाएगा, या एक्सिल से ही, एक्सिल आपको इस तरीके से लगा देना है और एक्सिल से भी ये हमारा कपड़ा फट जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी जो कटोरी है वह ठुक चुकी है करीब करीब। और चलिए दोस्तों अब इसमें हम ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने के लिए आपको कटोरी अच्छी तरीके से साफ़ करनी है ठोकने के बाद भी कपड़े से, आप देख लीजिए किरकल ना हो हल्की सी भी, यदि किरकल होती है तो आपका जो पहिया अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा।
तो दोस्तों हमने इसमें ग्रीस लगा लिया है और इसमें जो आपको गोली भरनी है वो 9 गोली एक साइड में 9 गोली एक साइड में 9 दूनी 18 गोली आपको टोटल इसमें लगानी है। तो दोस्तों 18 गोली आपको लगानी है 9 उल्ली साइड में 9 पल्ली साइड में। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि आपकी एक भी गोली कम बढ़ती हो जाती है तो आपका जो पहिया है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया आप पहिए में कटोरी कैसे लगा सकते हैं घर पर ही, ये बहुत आसान है। तो दोस्तों दोनों साइड में हमने ग्रीस लगा दिया है, जो ग्रीस है आपको साइकिल की शॉप पे ही मिल जाएगा। रेट तो इस पे 110 रुपये है, पर ये आपको 50-60-70 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। ये लगभग 500 ग्राम का आता है ग्रीस का डिब्बा, आपको इतनी की आवश्यकता नहीं होगी। आप 10-15 रुपये का ग्रीस ला के आसानी से साइकिल में इजी कटोरी लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।